नमस्कार दोस्तों, आपके अपने टिक्कम भंडार चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, वीडियो को कट मत करना, क्योंकि दोस्तों सभी सवाल इंटरेस्टिंग सवाल हैं। इन सभी सवालों को देखने में आपको बड़ा मजा आएगा। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, दुनिया का सबसे पुराना पेड़ कौन सा है? दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सही जवाब है टिज्जिगो पेड़, जो स्वीडन में है। दूसरा सवाल है, BMW कार इतनी महंगी क्यों होती है? सही जवाब है, इन गाड़ियों के महंगा होने का सबसे बड़ा कारण है इनका सीमित उत्पादन। इसके अलावा BMW जैसी गाड़ियां उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है जिन्हें लग्जरी गाड़ियां पसंद होती है। मतलब कंपनी सिर्फ उन्हीं कस्टमर को ध्यान में रखते हुए गाड़ी तैयार करती है जो लग्जरी गाड़ी लेना चाहते हैं। तीसरा सवाल है, फोन पर हेलो क्यों बोलते हैं? सही जवाब है, कहा जाता है कि हेलो नाम था फोन का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक ग्राहम बेल की गर्लफ्रेंड का। बेल की गर्लफ्रेंड का पूरा नाम था माइग्रेट हेलो। बताया जाता है कि ग्राहम बेल अपनी गर्लफ्रेंड को हेलो कहकर बुलाया करते थे। जब उन्होंने फोन का आविष्कार किया तो पहला शब्द अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पर लिया। उसके बाद इस शब्द का इस्तेमाल लोग भी करने लगे। चौथा सवाल है, बादाम भिगोकर क्यों खाने चाहिए? सही जवाब है, यह बात सच है कि भीगे हुए बादाम खाने से दिल हेल्दी रहता है और ख़राब कोलेस्ट्रॉल में राहत मिलती है और बढ़िया कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। भीगे हुए बादाम खाने से इसे मौजूद विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। बादाम में मौजूद यह तत्व उम्र और सूजन को रोकता है जो कि फ्री रेडिकल से होता है। पाँचवा सवाल है, हम बार बार पेन क्यों खो देते हैं? सही जवाब है, आप पेन बार बार इसलिए खोते हैं क्योंकि आप 5 या 10 रुपए का पेन खरीदते हैं। कभी 100 या 200 रुपए का पेन खरीद के देखिए। दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके पेन खोने की संभावना 99% तक कम हो जाएगी। दरअसल होता यह है कि जब कोई व्यक्ति कम कीमत का सामान खरीदता है तो वह उसकी कम ही अहमियत रखता है, अर्थात उसको कम महत्वपूर्ण समझता है। छठा सवाल है, डॉक्टर की लिखावट खराब क्यों होती है? सही जवाब है, इस वजह से होती है डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग बुरी। उन्होंने कम समय में बड़े बड़े एग्जाम कंप्लीट किए होते हैं, इसी कारण समय बचाने के चक्कर में वह हमेशा बहुत ही तेज़ी से लिखते रहे हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग इतनी बुरी हो जाती है कि लोगों के लिए उसे समझ पाना टेढ़ी खीर हो जाता है। सातवां सवाल है, हॉस्पिटल में प्लस का निशान क्यों होता है? सही जवाब है, आप अस्पताल में जो रेड प्लस का निशान देखते हैं वो हमारे लिए इस बात का प्रतीक होता है कि यह जगह बीमारी के इलाज से संबंधित है। मेडिकल स्टोर वाले भी अपने साइन बोर्ड पर यह प्लस का निशान बनाकर रखते हैं। आठवां सवाल है, चौराहे पर घर होने के क्या नुकसान है? सही जवाब है, भूत प्रेतों का डर रहता है मन में। नवा सवाल है, किन्नर कहाँ पर पेशाब करती है? सही जवाब है, सार्वजनिक जगह पर। हमारा दसवा सवाल है, लड़कों की कौन सी आदत लड़कियों को बहुत पसंद आती है? सही जवाब है, ईमानदार लड़के लड़कियों को खूब पसंद आते हैं। अगर लड़कों में यह आदत है, ईमानदारी उनके स्वभाव में है, तो लड़कियां ऐसे लड़कों की दीवानी हो जाती है। लड़कियों को फ्लर्ट करने वाले लड़के पसंद नहीं आते हैं। ईमानदार लड़का कभी भी लड़की का विश्वास नहीं तोड़ता है, इसलिए लड़कियों को ऐसे स्वभाव वाले लड़के बहुत पसंद आते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा, और दोस्तों ऐसे वीडियोज और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को दबा दीजिए। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए।
और दोस्तों इस शेयर बटन को दबा के आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।